नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम, आपके झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं से मिलने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से दो दिन के लिए दिल्ली आया हूं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें। चंपई सोरेन के सामने तीन रास्ते हैं, वो अभी दिल्ली में हैं, उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है, आगे जाकर क्या होता है देखते हैं। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। चंपई सोरेन 25 अगस्त की शाम ही खड़गपुर होते हुए कोलकाता चले गए थे, उनके साथ उनके दोनों बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन भी हैं, उनके प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी भी साथ हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हुआ है। इससे पहले उन्होंने रविवार को बहरागोड़ा में समर्थकों से मुलाकात की और लोगों को संबोधित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और अन्य नेताओं से चंपई सोरेन की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होने की भी चर्चा है। हालांकि चंपई सोरेन ने कहा है कि वे अपना नया अध्याय शुरू करेंगे, वे न भाजपा में जाएंगे न ही झामुमो में वापस होंगे। ऐसे में कयास यह भी लगाया जा रहा है कि वे दिल्ली में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसी के साथ बने रहे।